अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा इंप्रेसिंग, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इंडोर पिक्चर्स के अंदर आप लोगों के साथ एक ऐसा फैक्ट शेयर करने लगा हूं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये पिक्चर है, इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड के बाद जो ब्लैक एंड व्हाइट जो है इसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट करेंगे, जो प्रोफेशनली वर्क के अंदर जो है ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने बिफोर आफ्टर जो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वीडियो होते ही देख लिया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ये पोर्ट्रिक्स है, इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे और इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वेरी इजी सा मेथड है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आऊँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को ऑल करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ 170 से अबव जो थी या डाफोर शब्द से रिलेटेड जो वीडियो थी वो शेयर की थी। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोग भी यहाँ से लर्निंग करके अपने डाफोर शब्द की एडिटिंग को और भी ज्यादा बेटर दिन कर सकती है, ठीक है। तो ए टू जी मेथड यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप लोग ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोफाइल को विजिट करें, आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियो जो है लेके आता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइज, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। तो ये मेरे चैनल के अंदर आप लोग जाए, ठीक है, वहां पर आप लोगों को प्रोफाइल के अंदर 170 से अबव जो होती वीडियो मिलेंगी। तो इंशाल्लाह जिन्होंने अभी तक इतनी वीडियो नहीं वॉच की वो जल्दी से जाए मेरे चैनल के अंदर, इंशाल्लाह आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही हम वर्क को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाते हैं। ये हमारी पिक्चर ऑलरेडी अडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन है, ठीक है। तो जैसे कि जब भी मैं पिक्चर्स को क्रिएट करता हूं आप लोगों को यही बोलता हूं, जो फेस के ऊपर निशान है, जो डॉट है, उसे जो इंक्रीज कर लिया करें, रेज कर लिया करें, स्पॉट हिल टूल की मदद से आप जो है नीटनेस एंड क्लीननेस कर लिया करें, ठीक है। उससे यह है कि आपकी पिक्चर काफी अच्छी सी लुक जो है परव्यू करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट हिल टूल को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फेस के ऊपर जो छोटे छोटे ये निशान है, इसने जो है हमने स्पॉट हिल टूल की मदद से रेज करना है, ठीक है। तो रीटचिंग की वीडियो आप लोगों के साथ पहले भी मैंने काफी ज्यादा शेयर की है, ठीक है। तो जस्ट ओनली आप लोगों के साथ ये वीडियो इसलिए इस तरह की शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट जब भी आप अपने डार्क फोटोशॉप के अंदर आउटडोर इंडोर पिक्चर्स को जब भी इंक्रीज करें, जब वो आप इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर काफी अच्छी सी इफेक्ट की इंक्रीज होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें स्पॉट हिल टूल की मदद से यहाँ पर छोटे छोटे से जो डॉट हैं वो रेज कर लिया करें, ठीक है। उससे ये है कि आपकी पिक्चर के ऊपर जब आप लोग मिस्टर टूल ब्रश को यूज करते हैं काफी अच्छी सी जो लुक है प्रीव्यू होगी, ठीक है। अगर आप लोग ये रेज नहीं करते तो यहाँ पर आपकी स्किन जो है डार्कनेस एंड रेडनेस की जो कलर जो है शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोगों के साथ इससे भी अच्छे अच्छे से ट्यूटोरियल वीडियो जो है क्रिएट करता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये देखें तो इजी वे के स्टेप के साथ आप लोग यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सर टूल ब्रश को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे जो है डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर कर लिया, अब जो है मिक्सर टूल ब्रश को इसकी स्किन के ऊपर यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश की जो मैंने सेटिंग रखी है, वेट इसकी 25 है, लोड इसका 75 है, मिक्स इसका 90 है, फ्लो इसका 100 है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी जो आप लोगों को आइकॉन के अंदर ऊपर आइकॉन बटन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये देखें मिक्सर टूल ब्रश को यूज करने का मेथड, वो भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ आप लोगों के सामने स्किन की रीटचिंग कर रहा हूँ, तो देखना कितनी अच्छी सी स्किन की जो रीटचिंग होकर हमारे सामने आएगी, और बाद में जब इसके ऊपर बैकग्राउंड चेंज करके इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बेटर देन आपकी लोगों की पिक्चर जो है इंक्रीज होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो गाइस ये देखें सिंपल वे सा मेथड है, आप लोगों के सामने ये वर्क करता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो को पास करके या वीडियो को बिफोर आफ्टर कुछ और दिखा दूं, ठीक है। तो ये देखें सिंपल वे के स्टेप के साथ जो है यहाँ पर जो है वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोग भी इन्हें यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी काफी अच्छी सी पिक्चर जो है इंक्रीज होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। ये देखें ग्लासेस के अंदर भी मैं थोड़ा सा मिक्सर टूल ब्रश को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये तो गाइस यहाँ पर जो है आप मिक्सर टूल ब्रश को नोज के ऊपर इस तरह बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, इस तरह आपकी पिक्चर जो है अच्छे से इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो नोज के ऊपर जब भी आप लोग मिक्सर टूल ब्रश यूज करें तो इसे स्लाइड सीधा किया करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ऊपर
नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप लोग स्लाइड किया करें तो आपकी भी नोज की शेप काफी अच्छी सी जो है इंक्रीज होगी, ठीक है। तो काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर कमेंट आए थे कि साथ भाई नोज के ऊपर जब भी हम यूज करते हैं नोज की लुक जो है अच्छी से नहीं बनती, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी मेथड स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोगों के लिए काफी अच्छी सी वीडियो जो है लेके आता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले भी लाइव आया था, परसों लाइव आया था आप लोगों के लिए, दो दिन पहले, एक दिन पहले जो लाइव आया था उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ अडोब फोटोशॉप का जो था लिंक बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर किया था, ठीक है। तो जिन जिन भाइयों को अडोब फोटोशॉप का लिंक वहां से मिला है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट करें, उसके ऊपर जो है जिप का फाइल का पासवर्ड है, तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो यहीं पर आप लोगों को पासवर्ड जो है शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अडोब फोटोशॉप 21 मॉडल जो है मैंने आप लोगों का बिल्कुल फ्री के अंदर लिंक शेयर किया है, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, जो ये भाई मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके पास अगर अडोब फोटोशॉप मेरा 2021 मॉडल का है तो वो मुझे जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसका पासवर्ड भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर भी रब्ता करते हो तो इंशाल्लाह वहां पर भी आप लोगों के साथ पासवर्ड शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ अपने सपोर्टरों के लिए ये चीजें जो है लेके आता हूँ, ठीक है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही इन आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि स्किन की रिटचिंग हमने कर ली है, ठीक है, यहाँ पर नेक के ऊपर थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। तो बाद में इसका बैकड्रॉप चेंज करके और इसके ऊपर बैकग्राउंड इंक्रीज करके ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट जो है इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छी सी वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें स्किन की रीटचिंग हो चुकी है, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो गाइज इसी तरह ही आप लोग भी अपनी पिक्चर्स के ऊपर सेम यही मेथड यूज करके अपनी पिक्चर्स को काफी अच्छी सी लुक जो है प्रीव्यू कर सकती हैं, ठीक है। तो ये देखें मैंने स्किन की रीटचिंग कर ली है, हाई डेफिनेशन स्किन की रीटचिंग हो गई है, ठीक है। तो अब जो है इसकी बैकग्राउंड को ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पर मैं करूंगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो गाइस ये इस तरह का टूल्स है कि ये वन क्लिक के साथ आपके सब्जेक्ट की कटिंग कर देगा, ठीक है। तो काफी अच्छा सा ये टूल्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2020 और 2021 के अंदर ये प्रीव्यू होगा, ठीक है। जो ओल्ड वर्जन है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैसे कि 16 है, 15 है, ठीक है, इनके अंदर ये जो है सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। जो लेटेस्ट वर्जन है अडोब फोटोशॉप के उसके अंदर ये जो ऑप्शन उन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जाएं मेरे चैनल के ऊपर, 2020 मॉडल भी वहां पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो वो आप लोग मेरे चैनल पर किस तरह सर्च कर सकते हैं, हाउ टू दी फिक्स इंस्टॉलर अडोब फोटोशॉप 2020, ठीक है। तो ये आप लोग सर्च करेंगे मेरे चैनल के ऊपर से तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहां पर इजीली प्रीव्यू मिलेगी, आप लोगों को वीडियो मिलेगी, वीडियो वॉच करके आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखें मेरी सिलेक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है, सिलेक्ट एंड मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये रिफाइन एजेस जिसे हम बोलते हैं, जो ओल्ड वर्जन है उसके ऊपर रिफाइन एजेस के नाम से शो हो रहा होगा। तो इससे ये है कि आपकी जो कटिंग की जो मिसिंग पार्ट है उसे जो है इंक्रीज करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये चीज को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें सिलेक्ट एंड मास्क को क्लिक किया, इसे रिफाइन एजेस बोलते हैं, रिफाइन एजेस जो है हम पिक्चर्स के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पिक्चर्स को जितना जूम करके ये रिफाइन एजेस यूज करेंगे तो इंशाल्लाह उतनी अच्छी सी आप लोगों को ये जो है शेप जो है व्यू करेगा, कहने का मतलब इतनी अच्छी सी आप लोगों को लुक देगा कि आप लोगों के हेयर भी बैकग्राउंड से ट्रिम होकर अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी मेथड जो है शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने ये रिफाइन एजेस थोड़ा सा यूज किया, यहाँ पर स्मूथर एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा क्लिक करता हूँ और फेदर को भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ओके किया तो ये देखे हमारे सामने जो सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कंट्रोल जे करेंगे तो ये हमारी लेयर जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगी, कहने का मतलब एक लेयर और भी ऐड हो जाएगी, ऊपर से सब्जेक्ट जो है कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एरो की मदद से करना चाहते हैं, कोई भी आप कटिंग का टूल सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सिलेक्शन का टूल सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इसके ऊपर उल्टा क्लिक करेंगे, लेयर बाय कॉपी यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखे हमारी जो है अलहदा हो चुकी है सब्जेक्ट, ठीक है। तो कीबोर्ड के कंट्रोल के बटन को जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जब भी मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए हैंड के आगे जो है मुरब्बा साइज का जो सिलेक्शन का एरो आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप कंट्रोल को डिप करके रखेंगे और जो है माउस की मदद से क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखें सिलेक्शन आपकी ऑटोमेटिकली हो गई है, ठीक है। तो अब हमने इसका जो बैकड्रॉप है उसे जो है सिलेक्ट कर दिया, ये देखें पहली लेयर हमारी ये थी उसे हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, दूसरी लेयर ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो सिलेक्ट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है आप सिलेक्ट इनवर्स के अंदर भी जाते थे, सिलेक्ट के अंदर जाके यहां पर इनवर्स, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। तो ये देखें जब हमने ये किया तो इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर भी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो यहां भी हम कंट्रोल जे करेंगे तो ये देखें हमारा जो
तो गाइज ये देखिए हमारा बैकग्राउंड भी अलहदा हो गया, ठीक है। ये देखिए ये बैकग्राउंड भी हमारा अलहदा हो गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड को भी अलहदा करना और सब्जेक्ट को भी अलहदा करना, जो सेकंड में लेयर है जो हमने बैकग्राउंड को हमने अलहदा किया था, इसके ऊपर हम ब्लर लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर के अंदर जाएंगे, गाशियन ब्लर के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 196.4 जो है पिक्सल पर हमने जो है इसका ब्लर एडजस्ट किया, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सामने जो बैकग्राउंड है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है, ठीक है। ये आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सर टूल ब्रश की मदद से जो इसके आसपास जो हैंड के आसपास जो बैकग्राउंड रहेगा उसे जो हम मिक्सर टूल की ब्रश की मदद से यहाँ पर रेज करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये देखिए मैंने इसके बैकग्राउंड को जो है इंक्रीज कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो है बैकग्राउंड इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड इंक्रीज करके बाद में इसके ऊपर हम इसकी कैमरा फिल्टर की तरह एडजस्टमेंट करेंगे और इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट का जो इफेक्ट इंक्रीज करके दिखाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसे जो मर्च डाउन करूंगा, ठीक है, जो नीचे वाली लेयर है वो एक हो जाएंगी, ठीक है। तो अब कंट्रोल बी को क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे सामने कलर बैलेंस का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो कलर बैलेंस की मदद से हम जो है अपने पिक्चर के अंदर किसी भी कलर के अंदर अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी कलर की लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर इसे जो है रेडनेस कलर के अंदर लुक दूंगा, ठीक है, क्योंकि रेडनेस जो है पिक्चर काफी अच्छी सी प्रव्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखे मैंने इसके अंदर रेडनेस कलर जो थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, ब्लू कलर का हमारा सब्जेक्ट के ड्रेसिंग है, ठीक है, जिसके अंदर काफी अच्छी सी लुक जो है प्रव्यू होगी, ठीक है। तो ये दोनों लेयर को एक करने के लिए मर्च विजिबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखे फिल्टर के अंदर जाते हैं, कैमरा फिल्टर के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो कैमरा फिल्टर के अंदर आने का मकसद ये है इसकी थोड़ी सी कलर गाइडिंग की जाए, कलर गाइडिंग के बाद आप लोगों के साथ ब्लैक एंड व्हाइट का लाइनिंग जो इफेक्ट है वो शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें इसकी स्किन के ऊपर हम जो है कंट्रास्ट को थोड़ा सा अप करते हैं, हाईलाइट को थोड़ा सा कम करते हैं। हाईलाइट को अगर हम कम करते हैं तो ये देखें हमारी पिक्चर्स के ऊपर किस तरह की लुक जो है प्रव्यू हो रही है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर जो है हम हाईलाइट को कम नहीं करेंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा टच देंगे, व्हाइटिंग को भी थोड़ा सा टच देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है शेडो को थोड़ा सा अप करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए शेडो को आप करने से हमारे पिक्चर के ऊपर काफी अच्छी सी शाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट है जिसे एफएक्स हम बोलते हैं, एफएक्स को हम जो है यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए एफएक्स जो है हमारे पिक्चर के ऊपर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो साइड वाले कॉर्नर है वो ब्लैक हो रहे हैं, इसे एफएक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाद में इसके अंदर टेक्सचर ग्रेविटी एंड डिजिस ये ऐड करेंगे, तो इसके अंदर देखना हमारी पिक्चर को काफी अच्छी सी लुक जो है प्रीव्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर हमारी स्किन को अटैच करता है तो यहाँ पर इसे भी थोड़ा सा अटैच कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी पिक्चर के ऊपर जो व्हाइटनेस है वो क्लियर और भी नीट हो जाए, ठीक है। तो ड्रेसिस का कलर जो है ब्लू को थोड़ा सा अबव करेंगे, ठीक है, ब्लू के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये देखे मैंने ये चेंजिंग की है, ठीक है, यहाँ पर जो है इसे जो है लो कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे कलरों को मैं जो है माइनस ही कर लेता हूं, ठीक है। तो ये देखें इन्हें भी येलो को भी, ठीक है। तो ये देखें छोटे से मैथर के साथ जो है हमने पिक्चर्स के ऊपर काफी अच्छी सी पिक्चर्स की लुक जो है इंक्रीज की है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर चाहेंगे कुछ हाईलाइट के अंदर भी कलर एडजस्ट करना तो वो भी हमारी पिक्चर के अंदर कलर जो है एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग ये भी यूज करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसे भी यूज करें, यहाँ पर ओके करते हैं। तो ये देखें हमारे सामने पिक्चर जो है काफी अच्छी सी लुक जो है पर व्यू होगी, ठीक है। तो अब आती है मेन बात आप लोगों के साथ शेयर करने की, वो ये है कि इसे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट, लाइनिंग इफेक्ट किस तरह इंक्रीज करें, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे से मेथड हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइस यहां पर ये देखें, यहां पर मैं इसे जो है सिलेक्शन को यहां पर क्लिक कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पर भी इसे थोड़ी सी सिलेक्शन की मदद से यहां पर जो है शिफ्ट को मैं क्लिक करता हूं, इसे टूल को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो यहां पर ये देखें इस टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ पर ये देखें, यहां पर मैं क्लिक करता हूं, एक मिनट, वो पिछली हमारी जो सिलेक्शन वो चली गई, ठीक, कंट्रोल जी किया, यहां पर शिफ्ट को क्लिक किया, ठीक है। तो यहां पर जो है ये देखें, ए या और यहां पर, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोग भी अपने पिक्चर्स के ऊपर किसी तरह की भी ट्राई एंगल जो है इंक्रीज कर सकते हैं, किसी तरीके की भी आप ट्राई एंगल यहां से बना सकते हैं, इसकी मदद से बना सकते हैं, इसकी मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसे जो है कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है। तो ये देखें हमारे कंट्रोल जे करने से ये देखें हमारे जो है पिक्चर का ये हिस्सा पार्ट जो है अलहदा हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है इसे ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, ठीक है, इमेज के अंदर जाएंगे, एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का जो ऑप्शन है ये है, ठीक है। तो इसको जो आप शॉर्ट की बोलेंगे कीबोर्ड की मदद से ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट जो है इफेक्ट आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोग भी अपने पिक्चर्स के अंदर जो है लुक और भी शाइन वाइज कर सकती है, ठीक है। तो ये देखें सिंपल वे के मेथड के साथ ये देखें मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर जो है ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट जो है इंक्रीज करना सिखाया, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह नहीं करना चाहते, इसके अंदर कुछ और भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, बिल फर्ज ये देखें यहाँ पर मैंने ऐसे किया, ठीक है, और यहाँ पर जो है
यहाँ पर ऐसे किया, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे जो है कंट्रोल यहाँ पर जो है कंट्रोल जे करूंगा, ठीक है। इमेज के अंदर जाएंगे, एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट जो है यहाँ पर है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट को मैंने ओके किया, यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। तो ये देखें कितनी अच्छी सी ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट जो है हमारे सामने इंक्रीज होके आया, ठीक है। तो अब जो है इसके ऊपर जो ब्लैक एंड व्हाइट जो हमने लेयर बनाई, इसे कैमरा फिल्टर के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने थोड़ी सी कलर की गाइडिंग और भी करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर हमारे पिक्चर काफी अच्छी सी लुक जो है परव्यू करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, और हाई पास को थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पर जो है शेडो को अप करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लाइट को भी इंक्रीज करते हैं कि हमारे पिक्चर जो है शाइन वाइज हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो देखिए ये गाइस, एक मिनट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ कितनी अच्छी सी ट्यूटोरियल का जो मेथड है शेयर किया, ठीक है। काफी अच्छी सी लुक जो है ब्लैक एंड व्हाइट की शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह ही आप लोग भी अपनी पिक्चर्स के ना सेम यही मेथड यूज करके इससे भी रिलेटेड और भी अच्छी सी पिक्चर जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ इफेक्ट या कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, वो भी आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोग भी सेम यही मेथड यूज करके अपने पिक्चर्स के ऊपर जब ये लोग आप लोग यूज करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने काफी अच्छी सी लुक जो है परव्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 7 BBC स्टूडियो, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोग भी अपनी अपनी पिक्चर्स को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ जो है आप यहाँ पर राइट करके कुछ भी साइन अपना ऐड कर सकती है, कुछ भी फाउंड जो है इंक्रेज करके अपनी पिक्चर को काफी अच्छी सी लुक जो है परव्यू दे सकती है, ठीक है। तो गाइस ये देखें छोटा छोटा सा मेथड है, तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की भी वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे मेथड आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइज अपना ख्याल रखिए, मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिएगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह हाफिज़।